यूक्रेन युद्ध के चलते एक ओर जहां दुनिया भर में गेहूं का संकट पैदा हो चुका है, तो वहीं भारत का 56,000 टन गेहूं अधर में लटका हुआ है। पहले भारतीय गेहूं की इस खेप को टर्की ने रिजेक्ट किया, फिर इजिप्ट ने अपनी समुद्री सीमा में इसको घुसने की इजाजत नहीं दी, और अब खबर आई है कि भारत के गेहूं की ये खेप अब इसराइल के एक पोर्ट पर पहुंच चुकी है। वहां से ये गेहूं कहां जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस खेप को एक ठिकाना जरूर मिल गया है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिरकार क्यों गेहूं के इस क्राइसिस के वक्त भी इन देशों ने भारत के गेहूं को कबूल नहीं किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर अरब देशों में भारत विरोधी प्रचार के बाद ही टर्की और इजिप्ट जैसे मुस्लिम देशों ने भारत के गेहूं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, या असली वजह कुछ और है। समाचार पत्र द मिंट की खबर के मुताबिक एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि भारत के गेहूं की खेप की इन दोनों देशों में नो एंट्री के पीछे कोई राजनीतिक वजह नहीं है। खबर के मुताबिक गेहूं की इस खेप को भेजने से पहले इसकी क्वारंटीन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन इस गेहूं में प्रोटीन का कंटेंट 13-14% से कम था, जो कि टर्की के मानकों के मुताबिक नहीं था, लिहाजा टर्की ने इसे कबूल नहीं किया। दरअसल ये गेहूं भारत सरकार ने नहीं बल्कि एक प्राइवेट फर्म ने बेचा था। टर्की से रिजेक्ट होने के बाद इसे इजिप्ट यानी मिस्र भेजने की बात की गई। इजिप्ट दुनिया में गेहूं खरीदने वाले बड़े देशों में से एक है, लेकिन जब उसने भी इसे अपनी समुद्री सीमा में घुसने नहीं दिया तो सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि इजिप्ट ने बिना कोई सैंपल की जांच किए ही इस गेहूं को रिजेक्ट कर दिया। खबर के मुताबिक अमूमन भारत सरकार किसी प्राइवेट फर्म की ऐसी डील के रिजेक्ट या एक्सेप्ट होने में दखल नहीं देती है, लेकिन चूंकि ये गेहूं भारत का है लिहाजा भारत सरकार इस मसले पर नजर रख रही है। अभी तक इजिप्ट के इस गेहूं की खेप को रिजेक्ट करने की वजह साफ नहीं हो सकी है। अब ये गेहूं इसराइल के पोर्ट पर है, लेकिन वहां से ये कहां जाएगा ये स्पष्ट नहीं हो सका है। ऐसे हालात में गेहूं बेचने वाली कंपनी के पास तीन विकल्प होते हैं, या तो वो इस खेप की कोई नई डील करे, या इसे वापस भारत लाए, या फिर इसे समुद्र में ही नष्ट कर दिया जाए। यूक्रेन युद्ध के चलते गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं। दरअसल यूक्रेन का लाखों टन गेहूं युद्ध के चलते अब भी गोदामों में ही फंसा हुआ है। यूक्रेन के व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता ब्लैक सी होकर जाता है, जहां रूसी नेवी ने नाकेबंदी कर दी है, और इसके चलते ही ये संकट खड़ा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमत 450 से 480 डॉलर प्रति टन की है, यानी भारत के गेहूं की इस खेप की कीमत काफी ज्यादा है, इसीलिए यह विवाद बड़ा रूप ले रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने दुनिया में आए गेहूं के संकट के बाद से ही गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। 13 मई को लगी इस पाबंदी से पहले ही गेहूं की ये खेप रवाना हो गई थी, जो अब विवादों में फंसकर इसराइल के पोर्ट पर पड़ी है। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस विवाद का क्या हल निकालती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।